नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विप्लव अवस्थी, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद, जो जमीन विवाद है, उस पर फैसला कब आने जा रहा है। उससे पहले लीगल रिपोर्टर को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। करीब 100 साल से चल रहे अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर अब केवल सुप्रीम कोर्ट के पास 4 तारीखें बची हैं। ये तारीखें हैं 8 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, यानी कि उससे पहले उन्हें अपना फैसला देना है। इस मामले पे 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था, यानी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर जो महत्वपूर्ण फैसला है वो अब इन्हीं 4 तारीखों में आने जा रहा है। दबी जुबान में एक चर्चा लगातार हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जुमे के रोज फैसला देने से बचेगा। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के पास 3 दिनों की तारीखें यानी 8, 13 और 14 ही बच रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस अरविंद बोबड़े और जस्टिस चंचूर को फैसला लिखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अन्य मामलों की अपेक्षा अयोध्या के जमीन विवाद पर फैसला लिखने के लिए ज्यादा जोर दिए हुए हैं। तमाम कानून के जानकार ये भी मान रहे हैं कि फैसला अपने आप में भी संपूर्ण होने जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अपने इस फैसले में करीब 100 साल से चल रहे जमीन विवाद के एक एक पहलू पर विचार कर सकती है और उसे फैसले में शामिल भी कर सकती है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की उस जिम्मेदारी जिसमें 2.77 एकड़ एरिया के रख रखाव के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाया गया था, उसी जिम्मेदारी को और दे सकती है। इस मामले में कानून के जानकार ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि अगर जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण होता है, मंदिर होता है या मस्जिद होता है, केंद्र सरकार उसके रखरखाव प्रबंधन का भी दायित्व निभाएगी। फैसले से पहले राज्य के एडीजी प्रोसिक्यूशन आशुतोष पांडे ने अयोध्या पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, पुलिस के साथ ही आरएएफ और पीएसी को भी तैनात किया गया है। पूरे शहर को ड्रोन कैमरे की नजरों से रखा गया है। किसी भी स्थिति में कोई भी फैसला आता है उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को राज्य सरकार ने चाक चौबंद रखा है। आपको बता दें कि अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तो पुलिस तैनाती है, इसके साथ ही जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, मंदिर है, तमाम जगह पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। एक एक इलाकों को खगाला जा रहा है, कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बेहद बड़ी गड़बड़ी कर सकता है उसको चिन्हित किया जा रहा है, और इस मामले में फिलहाल बड़े फैसले का इंतजार है और जो तारीखें लीगल रिपोर्टर ने आपको बताई हैं उन्हीं तारीखों पर फैसला आने की संभावना बढ़ गई है।